कांग्रेस पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी को आज सूरत के एक सेशन कोर्ट ने 2 साल की सजा सुनाई है। आपको बता दें, दरअसल पूरा मामला जो था वो चुनाव के दौरान मोदी टैगलाइन को लेकर के, मोदी कास्ट को लेकर के जो विवादित बयान राहुल गांधी ने दिया था उसको लेकर के आज सेशन कोर्ट ने उनको 2 साल की सजा सुनाई है। आज मुरादाबाद उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य आए थे, उन्होंने क्या कहा इस पूरे मामले को लेकर के, आइए आपको सुनाते हैं। देखिए, माननीय न्यायालय के द्वारा किसी को भी सजा सुनाई जा सकती है, पहले भी सुनाई गई है। श्री राहुल गांधी जी पहले ऐसे व्यक्ति नहीं हैं जिनको यह सजा सुनाई गई है। माननीय न्यायालय की जो भी मतलब सजा है या न्यायालय के द्वारा जो भी आदेश दिया गया है उसका सबको सम्मान करना चाहिए, और राकेश भैया, श्री राहुल गांधी जी और उनकी पार्टी को भी माननीय न्यायालय के आदेश का सम्मान करना। सर, अखिलेश यादव से आपको डर है क्या? सर, अखिलेश यादव से आपको नहीं, मुझे नहीं, मुझे किसी से डर नहीं। आपने कहा नहीं, नहीं, ऐसा कोई हमारे लिए समस्या नहीं है। ऐसा नहीं है कि हमारे, अगर कोई न्यायालय से अभी आदेश हुआ है तो निश्चित तौर से वो उच्च अदालत में जाएंगे ही जाएंगे। अगर जाएंगे तो अगर कहीं से उनको रिलीफ मिलेगी तो चुनाव लड़ेंगे, नहीं रिलीफ मिलेगी, अगर सजा बरकरार रहेगी तो फिर चुनाव नहीं लड़ेंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अब सदस्यता तो मोहम्मद आजम खान की बगल में चली गई है, और भी कई हमारी ही पार्टी के कई, एक खतौली में विधायक थे उनकी सदस्यता चली गई है। तो ऐसे कई लोग हैं जिनके ऊपर ऐसे कोई मुकदमे होते हैं और जब न्यायालय द्वारा सजा सुनाई जाती है तो उनकी सदस्यता समाप्त हो जाती है, 2 साल तक की सजा हो या इससे अधिक की सजा हो। तो नहीं, भारतीय जनता पार्टी को विपक्ष को खत्म करने की जरूरत नहीं है। जनता स्वयं अगर जो अच्छा काम नहीं करेगा उन्हें खत्म कर देगी। अखिलेश यादव ने आपके एक बार पंच के सामने कहा है कि हमें सारस से जरूरत नहीं है डरने की और आप लोग डर रहे हैं और आपको अपनी खुशी का झंडा लग रहा है, इसलिए आप सारस। देखिए, मुझे लगता है श्री अखिलेश जी थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन में है, तनाव में है, वो सत्ता के बिना बेचैन है और वह अपना जो सर्वोच्च है वह 2022 में प्राप्त कर चुके हैं। अभी सत्ता उनके आसपास कभी कहीं, मुझे जो लगता है राजनीतिक दृष्टि से, मैं भी जो समझ रखता हूं, अभी समाजवादी पार्टी की या सैफई परिवार की सत्ता अभी शताब्दी में तो आने की संभावना नहीं। धन्यवाद।